मऊ जिले में एक नाबालिग को बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपियों ने दुकान में बैठे नाबालिग को उधार में सामान न देने पर उठाकर नदी के किनारे ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। आरोपियों द्वारा की गई मारपीट के निशान नाबालिग के शरीर पर उपटे हुए हैं। मामले में फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। दरअसल नाबालिग से मारपीट का यह मामला मऊगंज जिले के पन्नी मोड़ का है। जानकारी के मुताबिक घटना दिनांक को पन्नी मोड़ निवासी 16 वर्षीय आयुष चतुर्वेदी अपनी दुकान में बैठा था, तभी सोनू खान निवासी पथरिया व यश पांडे उर्फ फुल्ला उसकी दुकान में आए और उधार में सामान मांगने लगे। आयुष ने उधार में सामान देने से इनकार किया तो नाराज आरोपियों ने उसे अपने साथ सेलार नदी के पास ले गए, जहां बंधक बनाकर उसके साथ बेरहमी पूर्वक मारपीट की। बताया गया कि आरोपी काफी देर तक उसे बंधक बनाए रहे और डंडे बरसाते रहे, बाद में धमकाते हुए वहां से चले गए। इधर घटना के बाद आरोपियों के चंगुल से छूटे किशोर ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना से अवगत कराया, जिसकी हालत देख परिजनों के होश उड़ गए। बच्चे की हालत देख परिजन उसे अपने साथ सीधा लेकर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी सोनू खान को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया गया कि पकड़ा गया आरोपी आत्तन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से कई मामले भी दर्ज हैं। वह युवकों को अपनी गैंग में शामिल कर दूसरों के साथ मारपीट करवाता है। इसके पूर्व में भी उसने मऊगंज कॉलेज आ रही दो छात्राओं के साथ पथरिया गांव के समीप मारपीट की थी, जिस पर भी मामला दर्ज किया गया था। पास आ जाएंगे अपन मेरे से।